Welcome to Wheels since 2020. Before we start, please subscribe and press the bell icon. Hello everyone and welcome to my channel Wheels since 2020. तो guys, वीडियो का टाइटल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं. तो दोस्तों, ये है आप लोगों का डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4. तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, डुकाटी जो है वो इटली का ब्रांड है एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है एंड इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी सारी गाड़ियां जो है अलग अलग कंट्रीज़ में वो सेल हो रही है. एंड दोस्तों, इंडिया में भी ये काफ़ी अच्छी शेयर्स कमाती है अपनी. काफ़ी सारी गाड़ियाँ डुकाटी की इंडिया में सेल होती है एंड जानी जाती है अपनी सुपर स्पोर्ट्स बाइक के लिए. तो दोस्तों, डुकाटी जो है अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जो डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 एंड V4S है उसे दोस्तों फाइनली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में. दोस्तों, ये गाड़ी को डुकाटी ने इंडिया में 13 मई को लॉन्च किया था. तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 के बारे में बात करने वाले हैं. V4S के बारे में मैं एक और फिर से वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए. तो गाइस, सबसे पहले इसकी लुक के बारे में बात करते हैं. ये इसका लुक आप लोग देख रहे हैं, नेकेड बैक डिज़ाइन इसे कहते हैं. गाड़ी का फ्रंट आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी एंड स्टाइलिश है. काफ़ी हैवी मस्कुलर टैंक गाड़ी में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं. साथ ही साथ साइड प्रोफाइल में भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है. प्रीमियम स्पोर्ट बाइक की फीलिंग प्रोवाइड करती है ये बाइक. एंड दोस्तों, रियर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है. फ्रंट में आप लोगों को LED DRL यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट गाड़ी में दी गई है. साथ ही साथ LED हेडलाइट्स दिए गए हैं एंड इंडिकेटर भी आप लोगों के इस गाड़ी में LED दिए गए हैं. उसी तरह दोस्तों, जो गाड़ी का रियर टेल लाइट है उसमें भी आप लोगों को LED दी गई है. कंप्लीट LED सेटअप आप लोगों को इस गाड़ी में दी जाती है. ओवरऑल बात करें, ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस फिल करवाती है अपनी एंड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड स्टाइलिश बाइक है. इस बाइक में आप लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है वो फुल्ली LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है, जिसमें आप लोगों का ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टैकोमीटर, इंजन इमोबिलाइजर, ABS की वार्निंग, सारी सारे आप लोगों की लो फ्यूल कंजप्शन, एवरेज फ्यूल कंजप्शन एंड डिस्टेंस टू MT, डिजिटल क्लॉक, सर्विसिंग की वार्निंग, ये सब चीज़ें आप लोगों को उसमें ही डिस्प्ले कर देता है. एंड साथ ही साथ आप लोगों को गाड़ी में मोड भी मिलते हैं, स्पोर्ट मोड, कंफर्ट मोड. एंड दोस्तों, इसके साथ साथ गाड़ी में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिलता है एंड एक USB चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है गाड़ी में. ओवरऑल अगर बात करें तो ये गाड़ी जो है आप लोगों को फुल्ली पैक्ड प्रोवाइड की गई है. अगर इसके इंजन की बात करें, इसमें आप लोगों को लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि आप लोगों का 4-सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 1103cc का पेट्रोल इंजन है, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करता है 153 किलोवाट या फिर 208 हॉर्स पावर का पावर एट 12,750 RPM में प्रोवाइड करता है. एंड जो इसका टॉर्क है वो आप लोगों का 123 Nm ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोवाइड करता है एट 11,500 RPM. गाड़ी की सीट हेड की बात करें तो आप लोगों को जो इसमें सीट हेड दी गई है वो 845 mm की सीट हाइट है, यानी कि 84.5 सेंटीमीटर. एंड इस गाड़ी का जो ड्राइव वेट है वो आप लोगों का 180 kg है इस गाड़ी का ड्राइव वेट. गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छी सस्पेंशन सिस्टम आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड की गई है. जो फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम है वो आप लोगों का 43 mm का शोवा BPF
फ्रॉक सस्पेंशन सिस्टम एंड जो रियर सस्पेंशन सिस्टम है वो आप लोगों का सैक्सॉक सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी में प्रोवाइड की गई है। दोस्तों जो व्हील्स है वो आप लोगों का एल्यूमिनियम अलॉय कास्टर्ड व्हील्स है जो कि आप लोगों को ब्लैक ग्लॉसी कलर में दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं गाड़ी पे। एंड दोस्तों व्हील्स की बात करें, गाड़ी में आप लोगों को 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर में गाड़ी में आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। रियर में जो डिस्क ब्रेक दी गई है वो आप लोगों का 245 mm का है, यानी कि 24.5 cm, टू पिस्टन कैलिपर विद बॉस कॉर्निंग ABS ईवो डिस्क ब्रेक दी गई है। एंड दोस्तों जो गाड़ी के फ्रंट में है वो आप लोगों का 330 mm का डिस्क है, यानी कि 33 cm। यहाँ पे आप लोगों को डुअल डिस्क मिलता है, सेमी फ्लोटिंग डिस्क रेडियली माउंटेड ब्रेम्बो मोनोबोलिक स्कीमा के साथ आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। गाड़ी में आप लोगों को डुअल चैनल ABS प्रोवाइड की गई है। दोस्तों गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आप लोगों का 1488 mm का व्हील बेस है आप लोगों के इस गाड़ी में। एंड दोस्तों जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो आप लोगों का 16 लीटर की फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड की जाती है। सेफ्टी के लिए गाड़ी में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। आप लोगों को गाड़ी में राइडिंग मोड्स प्रोवाइड की गई है, पावर मोड्स प्रोवाइड की गई है, कॉर्निंग ABS प्रोवाइड की गई है, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल दी गई है, डुकाटी व्हील कंट्रोल प्रोवाइड की गई है, डुकाटी स्लाइड कंट्रोल प्रोवाइड की गई है, इंजन ब्रेक कंट्रोल प्रोवाइड की गई है, ऑटो टायर कैलिब्रेशन प्रोवाइड की गई है गाड़ी में। ये सारे दोस्तों आप लोगों को सेफ्टी के लिए गाड़ी में दी गई है। एंड दोस्तों गाड़ी में आप लोगों को 24 मंथ्स अनलिमिटेड माइलेज की वारंटी दी गई है। गाड़ी में आप लोगों को जो गियरबॉक्स की दी गई है वो 6-speed गियरबॉक्स दी गई है, जिसमें आप लोगों का स्लीपर एंड असिस्ट क्लच एंड क्विक शिफ्टर का फंक्शन भी दी जाती है। तो ये होगी दोस्तों आप लोगों के लिए इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल्स। एंड इसके साथ साथ अगर बात करें इस गाड़ी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो दोस्तों इसके जो डायरेक्ट ड्राइवर्स हैं वो है आप लोगों का KTM 1290 सुपर ड्यूक आर। एंड दोस्तों यामा MT-10, कावासाकी ZS2, एप्रिला टूनो V4 एंड BMW S1000R। तो बेसिकली गाइस इंटरनेशनल मार्केट में ये सभी गाड़ियां जो है इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो फाइनली गाइस अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग इस गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब आपको कमेंट में ही दे दूंगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी और गाड़ी का रिव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। मैं उन गाड़ियों का रिव्यू वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में डाल दूंगा। एंड गाइस आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी एंड इस गाड़ी के बारे में आप लोगों की क्या राय है ये भी बताना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोग आगे भी हमारे चैनल पे देख सकें। तो फाइनली गाइस अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स
एंड टेक केयर।